हम आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बताने वाले हैं, जो आपको पीछे टोल प्लाजा दिख रहा है कि टोटल कितने टोल प्लाजा हैं और टोल प्लाजा का भी वर्क कहां तक पहुंचा, क्योंकि इस पे वर्क चालू है, टोल प्लाजा भी चालू नहीं हुआ है, टोल प्लाजा भी आधा भी वर्क टोल प्लाजा का नहीं हुआ है। इतना सारा भी यहाँ पे जो भी वर्क है आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बड़ोदरा से टोल प्लाजा के ऊपर। टोल प्लाजा बताने वाला आपको टोटल टोल प्लाजा पे कितने टोल प्लाजा हैं, कितना वर्क हो रहा है, क्या क्या वर्क हो रहा है, कितने सारे कैमरेज यहाँ पे लगे हुए हैं, कैमरेज आपको दिखाऊंगा, तमाम सारे में कैमरा भी लगे हुए हैं वो भी आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। सो गाइस, वीडियो में आगे हम कंटिन्यू होने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे का रेड बटन दबा के आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वॉल पे प्रेस करो, जिससे कि आप लोग को आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो आप पूरा देखना एंड तक, तभी आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस टोल प्लाजा के बारे में मालूम चलेगा। और अगर आप वीडियो में अंत तक पहुँच जाना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना हमारे लिए, कि अपने किस प्रकार से बताया आप लोगों को, अच्छा लगा कि नहीं लगा आप लोगों को कमेंट कर देना, और आपको ऐसे किस कौन सी वीडियो को ज़्यादा ज़रूरत है वो मैं आप लोगों को शूट करूँगा। तो भाई चलो चलते हैं, पीछे क्या रहे आप लोग बताना, स्टार्ट करता हूँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का टोल प्लाजा। सो भाई ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का टोल प्लाजा, मैं आप लोगों को यहाँ का टोल प्लाजा दिखा रहा हूँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का बड़ोदरा के साइड में, क्योंकि यहाँ पर किस प्रकार से वर्क हो रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का। आधा देख रहे हो इस तरफ ज़्यादा है टोल प्लाजा, उस तरफ टोल प्लाजा कितना है, 2, 4, 6, 7 टोल प्लाजा उस तरफ है, टोटल 7 टोल प्लाजा उस तरफ है, बाकी सारे टोल प्लाजा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 टोल प्लाजा इस तरफ है टोटल, यानी 8 लेन में से इन लोगों ने कितना सारा लेन बना दिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तमाम सारी गाड़ियाँ आनी है, यानी उधर से भी मुंबई से भी आएंगी और दिल्ली से भी यहाँ तमाम सारी गाड़ियाँ आएंगी। यहाँ पे देख रहे हो कितने सारे टोल प्लाजा बनाएंगे, यानी सारे टोल प्लाजा पे भी वर्क चालू है, ऐसा कुछ नहीं है टोल प्लाजा बिल्कुल रेडी हो चुका, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तमाम सारे CCTV कैमरे लगाए हुए, लाइट वगैरह तमाम सारे यहाँ पे लगा हुआ है, और टोल प्लाजा आप देख रहे हो किस प्रकार से। और इस तरफ यहाँ पे एक एम्बुलेंस भी वहाँ पे ला के खड़ी कर दी गई अभी से ही, एम्बुलेंस वहाँ पे खड़ी है, एक GCV क्रेन मशीन वहाँ पे खड़ी है, उन लोगों का ऑफिस उधर बना दिया गया है, और ये पूरा जितना ये आपको विस्तार ये जितना भी आपको एरिया दिख रहा है ना, ये सब इन्हीं लोगों का एरिया है। यहाँ पे तमाम सारी 8 लेन टोटल हैं, यानी 4 जाने के लिए 4 आने के लिए, और 8 में से कितना सारा लेन इन लोगों बना दिया इन लोगों ने। यहाँ पे देखते हो आप, ये जितने भी टोल प्लाजा यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना, ये सब पे अभी काम चालू है, अभी कोई भी टोल प्लाजा चालू नहीं है, अभी इनके अंदर भी जो स्टील लगाई जा रही है ऊपर नीचे उठने गिरने के लिए कि गाड़ी को जाने दिया जाए रुका जाए, वो सभी नहीं लगा, वो सभी लगाने का वर्क चालू है, यानी वर्क जो प्रोग्रेस है वो चालू ही है पूरे पूरे टोल प्लाजा का। यहाँ का विस्तार भी आपको दिखा देता हूँ कुछ इस प्रकार से, यहाँ का विस्तार है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का, आप रोड दिखे तो नीचे का किस प्रकार से दिख रहा है, यहाँ पे तमाम सारे लोग आते जाते आपको नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि लोकल लोग यहाँ पे आते जाते रहे चलते रहते हैं, बस भी वैसे लोगों को दिल्ली मुंबई वालों के लिए नहीं छोड़ा, जो दिल्ली मुंबई जाना है उनके लिए भी नहीं चालू किया गया, इसका भी उद्घाटन नहीं हुआ अभी तक, अभी इसका जब काम चालू तो उद्घाटन कहाँ से होगा, बट ये सब है CCTV का। यहाँ पे देख रहे हो उस तरफ आपको वहाँ पर लाइट आपको देख रहे हो, बड़ा सा लाइट मिल जाएगा, यहाँ पर एक लाइट लगा हुआ है ऊपर, एक रेड कलर का सायरन लगा हुआ है, सायरन बच सकता है, तो यहाँ पर सब यहाँ पर इस तरफ भी आप देख रहे हो बड़ा सा लाइट लगा हुआ है, और इस प्रकार से कुछ यहाँ पे टोल प्लाजा पे वर्क चालू। देखो यहाँ पे कुछ लोग फोटो भी खिंचा रहे हैं, भाई टोल प्लाजा पे आए तो इनको फोटो खिंचाना जरूरी है, तो टोल प्लाजा पे फोटो भी खिंचा रहे हैं, देखो कितने सारे लोग यहाँ से जा भी रहे हैं। तो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे ऐसे ही आप लोगों को यहाँ से कई सारे लोग आए वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ी यहाँ पर दौड़ेंगी इस वाले रूट पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे। तो ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है ये दिल्ली से चालू के मुंबई तक जाने वाला है, 1350 किलोमीटर की लंबी दूरी होने वाली है, 8 लेन का एक्सप्रेस वे है, यानी कि आप देख सकते हो ना यहाँ पे बनाया गया बीच में डिवाइडर, यानी ये जो डिवाइडर बना हुआ है ऐसा डिवाइडर उस तरफ बना हुआ है, उस तरफ अभी ये इस तरफ बना हुआ है, क्योंकि इस तरफ का मतलब कि इस तरफ से आने वाले लोग हैं और उस तरफ से मतलब कि उस तरफ से आने वाले लोग हैं, बट जो ज़्यादा टोल प्लाजा बना हुआ है वो इस तरफ बना हुआ है, उस तरफ बना हुआ है, इस तरफ कम है, सारे के सारे भी आप देखो कुछ लिखा हुआ है स्टॉप करके लिखा हुआ है सारे पे, एक वहाँ पे एम्बुलेंस मैंने आपको पहले बताया खड़ी है, बाकी तमाम सारे यहाँ पे वर्क किए जा रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के ऊपर, और इनका ऑफिस है इधर कैमरे से लगे ही हैं, बाकी तमाम सारी चीज़ों से लैस है ये एक्सप्रेस वे जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है। और मैं आप लोगों को यही बताने के लिए आज अहमदाबाद से बड़ोदरा आया हुआ हूँ और बता रहा हूँ दिखा रहा हूँ जो आपको है, और इसको ही लोग बड़ोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे बोलते हैं और इसी को लोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बोलते हैं,
तो क्योंकि वडोदरा साइड से है। सामने थोड़ी दूर पे आप जाओगे तो आपको आ जाएगा वडोदरा एक्सप्रेस वे, स्वयं वडोदरा एक्सप्रेस वे जो कि अहमदाबाद और वडोदरा को जोड़ते हैं। इस तरफ अगर थोड़ा पीछे जाओगे आप तो आपको आ जाएगा नेशनल हाईवे 48 जो कि वो भी अहमदाबाद और वडोदरा को ही जोड़ता है, तो वो भी है। और तमाम सारे ऐसे प्रोग्रेस हमारे देश में चल रहे हैं जिसको जिसका अपडेट आप लोगों को देता रहता हूँ मैं अलग अलग जगह से जाके, तो उसी में से एक ये भी था आप लोगों को बताना ज़रूरी था, यहाँ से आप लोगों को अपडेट दिया गया है। तो गाइस अभी हम जो चल रहे हैं ना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे चल रहे हैं और इसी का आप लोगों को अपडेट बता रहे थे हम, और इस अपडेट को बताते बताते हमको लगा कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है और ये अपडेट भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, तो हम सोचे इसको वीडियो को इस अपडेट को यहाँ पर एंड करें। और जो मुझे पता था हम लोगों को बता दिया हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं थी, बस जो मुझे पता था वो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। सो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो और ये अपडेट अच्छा लगा हो, अगर आपको कुछ आपको इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता है तो आप कमेंट में कर सकते हो कि भाई ये ऐसा होगा वो ऐसा होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, बता दोगे तो अच्छा होगा, मैं सीख जाऊँगा वो चीज़, नहीं जानता हूँ तो जान जाऊँगा सीख जाऊँगा, मुझे सीखने काफ़ी अच्छा है, आप लोग कमेंट कर सकते हो। सो गाइस चलो अब इसी वीडियो से करेंगे एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कि दूसरे वीडियो में कहीं से अलग से। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।